हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। उठ गए हैं भाई सुबह, आज 7:15 बज गए उठने में ही। सर्दियों में टाइम बढ़ाने की बजाय स्कूल ने टाइम घटा दिया, बच्चे हैं परेशान। आज तो 7:45 बजे उठे, फ्रेश व्रेश होके अभी देखो 7:15 बज गए, 5-10 मिनट में इनकी गाड़ी आ जाएगी। आज तो इन्हें सेल्फ में ही छोड़ कर आने पड़ेंगे। ये चेक कर रही है इनकी, क्या इनके पेपर स्टार्ट है ना? इसके मोल लग रहे थे हम इसे, अब डेट शीट बोल रहे हैं, कितना कुछ बदल गया। पेपर कब से इनके? 9 तारीख से, मंडे से। 9 तारीख मंडे से है तो भाई हमने देख ली इनकी स्कीम, पेपर है 9 तारीख से। कोई बात नहीं भाई, चलो। ओ खस्सी हो रही है, खस्सी दवा दे के भेजिए भाई इसे। नहीं दवाई तो सिर्फ, और नंदनी को भेजिए ना भाई, उसका बुखार पूरी तरह से ठीक नहीं है। वो तो तैयार है अपने आप ही, वो बोर हो जा। नहीं नहीं, ये वायरल है, और बच्चों को और को भी बचाना, उसे भेजिए ना अभी। कोई बात नहीं, एक आध दिन की और है। बोर हो गए? अरे कुछ ना बोर होती भाई, वहाँ उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो जान दे। तो भी मुँह धो ले आज, है खांसी हो रही तेरे बहुत। हाँ बारहवीं भैया। अच्छा भैया, बारहवीं भैया, बारहवीं तो कर लो। तो ये भैया है ना? अच्छा, आज आराम कुछ ज्यादा लग रहा है इसके यार, नंदिनी का मुझे ऐसा लग रहा। नंदिनी नंदिनी का तेरे, हाँ डोज सही मिल रही ना ये, मतलब ज्यादा बोल रही दोनों की, दोनों नंदिनी भी आ रही है अभी, चिंकी भी। मैंने क्या ज्यादा बोल दिया इसमें? चिंकी चल फटाफट से तैयार हो ले, 8:45 हो लिए, 8-10 पर गाड़ी आ जाएगी। हो जाऊंगी मैं तैयार। चल तो बालों में कंघा करवा, सूझ पहन, और अपनी टाइम से नाश्ता करके दवाई ले ले, ठीक है? शरत का है कि यार, टाइम टू टाइम लो, तैयार नहीं होने की, देख ले चाहे तो ले लगा ले। और जो किसी ने एक फेरी भी रुकाना, चलिए तैयार नहीं होगा, नाश्ता करके दवाई भी है उसमें, ठीक है? और गगन की तबीयत अभी ठीक है, चिंकी की भी, अरविंद भैया की भी, और नंदनी भी स्कूल में चली गई, नंदनी की भी तबीयत ठीक है। और इसका जो है एक डोज और लगेगी, इसकी लास्ट डोज रह रही, दो डोज लगेगी इसका, ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। कमजोरी तो देखो 14-15 दिन में निकला है बुखार की, क्योंकि दर्द छोड़ देंगे। और अभी इसके पार्ले जी की बिस्किट और चाय। सरकार की मारे तो दुश्मनी नहीं, दुश्मनी नहीं, मगर कह रहे थे ना उनको बुध वाले दिन बुक करा था, उस दिन कभी कैंसिल हो गया, नीचे तो पानी सब महसूस हो जाएगा, कुछ हो इसमें तो लिया, मुंह धो लिया, आप उसे बता रहे थे ऐसी चीज। ये मुझे क्या कह रहा था गुड्डू, पता नहीं कुछ कह रहा था वो, ऐसी चीज काला तौलिया कहाँ आया, वो काले तौलिया कहाँ गया? हेलो जी, राम राम जी, कैसे ये सिलेंडर है, ये भरा जाएगा जब काम चलेगा? ये दीवार है यहाँ से, ये टूट गई थी किनारे, करवाई दोबारा, सूरज निकल गया है। हाँ सूरज ही है, चांदनी है, सूरज ही है। पापा में मम्मी की नकल उतार रहे। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अब आने वाले टाइम में इतनी ज्यादा ठंड होगी, बहुत ही ज्यादा ठंड होगी, बहुत ज्यादा। सूरज की किरणें लग रही है, बहुत ही ज्यादा लग रही है। ये तौलिया है, इसे उठवा, इतना भारी है, बहुत ही ज्यादा भारी। इतना वजन है, बहुत ही ज्यादा, और इसमें गैस आ रहा है, बहुत ज्यादा गैस आ रहा है। किसकी आवाज आ रही है? बुखार हो गया था बीच में ही। अरे बेटा, हमने तो तुम्हें सुबह ही मना किया था, हैं? आज रहने दो तुम रेस्ट। दवाई लेकर आ मिला कुछ? दवाई लेकर आ मिला। देखो, हाँ भाई। बुखार हो गया था इसे?
बहुत तेज बुखार हो रहा था, उल्टी लगी इसके। फोन आया होगा। हाँ। अरे बेटा ये तुम्हारी मम्मी है ना, तुम्हारी क्या किसी की भी मम्मी हो, डिप्टी बनाना सोचे एक दिन का भी बंक नहीं मरवाने देती है स्कूल में से। है हमने पहले ही कहा था मगर ठीक नहीं है अभी पूरी। चुपचाप पड़ी थी मिला। आराम कर तू, कल संडे है, मंडे में देखते हैं फिर है। ओके। ये दीवार भी बहगी थी थोड़ी सी, अकेली खड़ी थी और कई काम ना डबल डबल इसमें करने पड़ रहे हैं, तो इसे भी उतारनी पड़ी, ये भी दोबारा से होगी। अभी बीम वीम की से सपोर्ट नहीं थी, और देखो इसे उखाड़ के दोबारा से ईंट साफ करके फिर दोबारा से इसकी चिनाई होगी, तो लगभग पूरी होने ही वाली है। उम्मीद है कि कल तक जो है ये पूरी हो जाएगी, क्योंकि चार दीवारी के बाद फिर ऊपर देखो वहाँ पर रेलिंग का काम शुरू होगा, तो धीरे धीरे ही सही लगातार चल रहा है काम, बस कुछ एक काम दोबारा से करने पड़ रहे हैं। तो ये तो दिखा के घेर दी होगी भाई। पहले तो एक बट्टा कर रखा था पेड़ का, एक और करके जब उल्टी तक दिखाई बल्ली तक गिरी जी, बल्ली तय करो। तो ये तो आराम से गिर गए हैं, बिना दाब की चीज तो ऐसी। कितना बाहर की तरफ से तो इसकी ऊंचाई बहुत लगे, देखो यहाँ पे आराम है इधर खेत में बाहर की तरफ, और अंदर से लगे कि भाई ऊंचाई कम रहेगी होगी, लेकिन इधर से कम 10 फीट बैठेगी भाई इसकी ऊंचाई, और इस पे एंगल लग के क्योंकि यहाँ पे फैंस बनाएंगे, फैंस तारों वाली इसके ऊपर वो भी लगानी, तो काफ़ी ऊंची हो जाएगी भाई, कोई ना चढ़ पावे इस पे, जैसे कि तेंदुए वगैरह आ जाए खेत में। अभी वहाँ आतंक मच रहा था ना, तेंदुए आ गए थे बिजनौर में, तेंदुए भी एक बार देखेगा भाई कभी कट पिटी जा चौकस होकर चढ़ेगा, तो उससे भी सुरक्षा हो जाएगी। तो पिछली तरफ से इसकी ऊंचाई बहुत, यहाँ से अंदर से तो भले ही कम हो, अंदर से बाहर की तरफ तो कोई कूदने का नहीं, बाहर की तरफ से कूदने की कोशिश कर सके। तो भाई आज है 7 अक्टूबर, जिन जिन बच्चों का और बड़े छोटों का बर्थडे है सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अभी दोपहर के 1:30 बज चुका है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं। कल है मेरी दोनों बेटियों का, एक का 8 अक्टूबर को होता है, एक का 9 अक्टूबर को होता है, लेकिन हम लोग 8 अक्टूबर में ही कल केक कटिंग करने वाले हैं और दोनों का एक ही दिन मना लेते हैं, कुछ ही घंटों की, मतलब है तो 3 साल की लेकिन एक कुछ ही घंटों का वो रहे टाइम की कमी। और चिंकी यहाँ पे देख रही है जाग कर कि मम्मी क्या बोल रही है, बेटा 9 में नहीं बनेगा, 8 में बनेगा, ठीक है। पिछली बार कौन सी तारीख में बना था देख लिए वीडियो में, मुझे नहीं पता। और यहाँ पर प्रीति सब्जी लेकर बैठी है, बैठी नहीं ना, साफ कर रही, बैठना गलत कहना नहीं तो लड़ाई बच जाएगी। यहाँ के वह झुक कर रुका ये भाई तड़की तो लेकर बैठी है धनिया को, वो काम ही मन ने कर दिया आज। तो मंडी से आई थी बहुत सारी सब्जियाँ, और ये तोरी नहीं मंडी ताई, ये तो घर की है। और प्रीति ने साफ सफाई कर रही प्याज की और ये लहसुन, वैसे मजबूरी है खाना, और कुछ जो भोग के लिए पूजा के लिए जो हमारे घर में सब्जियां बनती है वो बिना लहसुन प्याज की बनती है, वैसे ये प्याज खाते हैं खाने में खीरे के साथ में सलाद में कच्ची, खानी भी चाहिए, देखो हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन त्योहारों में कई सारी चीज़ें यूज भी नहीं होती, तो हर तरीके से हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है एक गृहिणी को, सबसे बड़ी बात। ये आ गया पालक, बहुत सारी सब्जियां हैं इसमें, अभी इनको निकालेंगे थैलों से बाहर, और ये पालक साफ करके रखना भी, और इसकी बनेगी शाम को साग, और मैं सोच रही थी जो इसमें तो थोड़ा बोझ बचेगा ना उसका कुछ और आइटम बनाओगे, पालक की पकौड़ी भी खाओ बहुत दिन हो गए, पालक के पकौड़े भी बहुत दिन हो गए खाओ बच्चों को, सिंगल पालक पालक के बनाओगे प्रीति जैसे उसमें होली पे बनाए थे है ना, पालक के पत्तों वाले कटिंग करके नहीं ऐसे ही सब उत्ते वाले, बहुत कुरकुरे लगे हैं, बढ़िया लगा है खाने में। तो अभी लंच हो गया है सबका, और खाना तो आज मैंने जल्दी बना ही लिया था, और कपड़े वगैरह भी सब कुछ धुल गए थे, ऊपर वाले फ्लोर की भी साफ़ सफाई हो गई है,
और माँ ला रही यहाँ से अपने चिलम भर के, एक आधी तो चावे है दिन भर में, वैसे ज्यादा नहीं, बस एक आधी माँ की, थोड़ी बहुत दो घूंट। हाँ जब मैंने खाना बनाया था जब तो काफ़ी देर हो गई है, तो थोड़ा सा गेहूँ भी रह रहा बिना पीसे हुए, उसे भी पीसना, आलू का कट्टा ऊपर चढ़वाना, और ये गिलोई नीम वाली आज फिर आ गई हमारे घर में, तो बंटे भी जा रही मरीजों को और खुद भी खाई जा रही, क्योंकि खुद के घर में भी तो मरीज है ना हमारे कई सारे। और नंदनी को फिर से फीवर हो गया था आज, और नंदनी की तबीयत अब ठीक है, वोमिटिंग हुई उसे और दवाइयाँ वगैरह दी प्रीति ने आते स्कूल से, तो अब उसका बुखार जो है उतर गया। प्रीति नु कह रही थी चाहे तो काम पड़ा हुआ दिखे चाहे खड़ा हुआ दिखे, तो यहाँ से जा काम को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हम, करेंगे और भी कोई बात नहीं। नमस्ते बेटा, जीत रहो जीत रहो। कैसा हुआ तेरा एक्ट? सूट तो तन्ने बताया नहीं मुझे, बता इसके यो भी याद नहीं, तेरी चाची नहीं तो कह रही थी इनको सब पता नहीं था क्या, और मुझे फिर भी जींस की पैंट और वाइट दुपट्टा ही बताया इसने, और फिर जब तेरी चाची झाड़ू लगा लगी कहने लगी सूट तो यही है, मगर पता नहीं मुझे तो भाई कपड़े पहन लो फुल स्लीव्स के, मच्छर कहीं से भी काट ले, चोट तो ठीक होती। मम्मी जो दवाई लगाई थी, हाँ हाँ दवाई का पप्पड़ हो गया था। अच्छा हाँ, अच्छा जी, इसके नीचे खाल आ गई सारी, ठीक हो गया फिर तो हाँ। चलो तो जी मैंने जो है पालक साफ करना शुरू कर दिया, पालक के पीछे इतने बड़ी बारीक से कीड़े थे बहुत ही ज़्यादा, उन्हें बहुत ध्यान से साफ करना था। प्रीति ने जो है और सब्जियां बाकी सब रैक में लगा दी है, टमाटर भी उसमें लगा दिए हैं, ये फ्रिज में रखे जाएंगे, जो फ्रिज में रखने का सामान था वो इसमें रख दिया है बास्केट में, बाकी सब बाहर ही रख दिए हैं उसने। जो रैक है हमारी सब्जियों वाली वो छोटी है थोड़ी सी साइज में, लेकिन कोई नहीं चल जाएगा काम, एक दो एक्स्ट्रा बास्केट में रख देंगे सामान। और यहाँ पर मूली की भुज्जी बनाने के लिए मुझे लग रहा है मूली के पत्ते सारे मुरझा सी गए हैं सुबह से अब तक, और ये पालक तो साफ करके साथ के साथ धोकर रख दूंगी मैं। स्कूल में इन्हें बताया था अनु को मेरी उल्टी आ रही है, और मैम ने किसे बताया था आपने भाई है? नहीं मैम जी ने तो बताया था, आपने किसे बताया था कि मुझे उल्टी आ रही है? मैम को बताया था। अच्छा तो कौन सी मैडम आ गया थारे घर? कह तो रही थी इनको मैडम आवगी घर, कह रही थी जब हम सब्जी साफ कर रहे चाय बना लियो कुछ मंगा लो मेरी मैडम आवगी, मगा क्या लेन? कह लगी केले सेब खान, मगा अच्छा थारे घर ही आवगी केले सेब खान, अब माँ के बालों में कंघी करेगी यार, इसे तो हिल्ला पाए। क्या कह रही दिया कर देगी वहाँ के बाल स्ट्रेट, ये देखो ये कूद कूद के माँ के सिर पे कूद देगी क्या? कंगी दबाव है माँ सिर की खुजली मिट जा बिल्कुल, बस पड़ेगी और उड़ जा दिए माँ, उड़ जा दिए गोल गोल उड़ जा दिए माँ, जो निकला ना काट नहीं पड़ेंगे देख वे उड़ जा दिए, अब बजागा तेरा माँ के हाथ का।